क्या नाम है तुम्हारा? दोस्तों मुलाकात है, हम आए हुए लड़काना के रास्ते में हैं और हम यहाँ रुके हैं। ये जगह जगह भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये मछलियों के फार्म बने हुए हैं। अब वो कहने को लोग कहते हैं कि जी फार्मी मछली में जान नहीं होती, ऐसे ही है जैसे फार्मी चिकन में जान नहीं होती, लेकिन सभी फार्मी चिकन खाते हैं, वहाँ हम देसी खाएं तो हमसे खाई भी ना जाए। तो ये मछली लेके खड़े में दिखाइए, और ये इनका फार्म है अपना। ये बताओ यार, यहाँ पे कितनी, तुम कह रहे थे 10,000 मछली है तकरीबन, और ये डमरा भी है इसमें, और कौन सी है? डमरा मोरा को भी है, और डमरा कौन सी इनमें से? खगा भी है, ये जो लाइट कलर ब्राउन टाइप कलर है ये मुराकी है, ये डमरा है पिंक कलर वाली। अच्छा ये कितने अरसे, छोड़ दो इसको, ये कितने अरसे में बड़ी होती है, बच्चे कब डालते हो, क्या होते हैं, ये इनके बच्चे बढ़ रहे हैं? छह महीने में बड़ी हुई। दिस इज नादर लाशारी एंड आई एम सिंगिंग दिस चांडियो। यहाँ ये कौन सा कबीले हो, केड़ी जात जो? हाँ लाड़काना के करीबी है। ये कौन सा एरिया, क्या कहलाता है? नई पुल कहलाती है, ये सक्खर से थोड़ा आगे है, नई पुल कहलाती है। यहाँ पे कितने लोगों के और फार्म है, तुम्हारा एक ही है ये? अच्छा। और के भी फार्म है। ये पानी बारिश का जमा होता है, आता है, क्या करते हो? ट्यूबवेल का पानी, ट्यूबवेल का पानी। तुम उर्दू नहीं आती अभी इतनी अच्छी, चलो अच्छी बात है, अपनी जबान बोलो। तो यहाँ से सिर्फ ऐसे बेचते हो बैठ के या सप्लाई भी करते हो? 10,000 इधर ही बेचते हैं। दिन में कितनी बिक जाती है? 15-20 किलो तो मतलब 15-20 दाने ही हुए ना, 25 दाने हुए। 10,000 मछली रख के 25 दाने बेचना तो सेंस ही नहीं है, कैसे करता होगा पूरा? ये तो 10,000 मछली नहीं है, या 25 दाना नहीं है, या इसकी सप्लाई अलग है। तालाब तो बड़ा है, हाँ तालाब तो बड़ा है, या तो इसको सही पता नहीं, इसको सही नॉलेज नहीं है, हाँ सही पता नहीं है। तो तुम यहाँ बेचते हो इसको, फिर आगे भी जाता है मार्केट में? मार्केट भी ना, गाड़ी भरे हाँ, ये समझ नहीं पा रहा। तुम जरा सिंधी में बात कर लो, इधर आ जाओ, ये मेरे कुलीग है, इससे सिंधी में पूरे सवाल जवाब करके आप उर्दू में ट्रांसलेट करो। घणी गाड़ी मोकलदा सीजन में, जे सीजन त सियारे जो हुंदो ना, ता सीजन सियारे 40 मन 50 मन गाड़ी मोकले पोई जो रंदिया मासी। अच्छा पो हते विकणदा, कह रहे हैं कि 30-40 मन जो है वो गाड़ी में भर के हम भेज देते हैं, बाकी जो बच जाती है वो हमारी, वो यहीं पे हम इसको यहां बेचते हैं, रोजाना की बुनियाद पे बेचते हैं, और जो इनकी ज्यादा पैदावार होती है गाड़ियों में भर के ये भेज देते हैं। अच्छा रोजाना की बुनियाद पे, हां मार्केट भेज देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी मार्केट सक्खर में जो है, मीठे पानी की। 30-40 मन पर डे नहीं, तकरीबन 2-3 दिन के अंदर अंदर जो पकड़ के सारी ये सक्खर मार्केट में सप्लाई। अच्छा, वहाँ पे बड़े वजन की जाती है? बड़े वजन की, किलो, आधा किलो, 3 किलो, जैसे 2 किलो। रात को हमने डमरा खाई वो 2 किलो की थी, 2 किलो 240 रुपए। इतनी बड़ी यानी उतनी बड़ी होंगी यहाँ पे, इसमें बड़ी पड़ी होगी, बड़ी कितने कितने के वजन की होती है? 2 किलो से 4 किलो तक का डमरा आता है। अच्छा, वो कितनी उम्र में 2 से 4 किलो का वजन बनता है? 1 साल के अंदर होता है वो, 2 से 4 किलो होता है। तुम लोग खिलाते क्या हो इसको? जो गाय के छेने निकलते हैं ना, जो उसकी निकलती है फुलास जो कहते हैं। अच्छा। वो डालते हैं इसके अंदर। अच्छा। फुला जो होता है, हाँ, वही हाँ, गोबर वगैरह जो गोबर थोपा जाता है वो डालते हैं, वो डालते हैं क्योंकि उसमें खाद होती है, वही खेतों में भी तो वही होती है, वो तो वही होती है, उसकी वजह से ही खेत जो है वो। अच्छा वो तुमने तस्वीर कर दी, लेकिन लोग तो कहते हैं मछली नहीं खाएंगे भाई। नहीं नहीं, सही बात है। तो बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी फैमिली मेंबर कितने हैं घर में? घना भाती होता 10 जने ही है, 9-10 जने घर। घर में लाइट है? लाइट आए घर में, हाँ लाइट है। तुम इधर खुश हो? क्या उम्र है तुम्हारी? 15 साल उम्र है इनकी। चलो अच्छी बात है, जमीनें अपनी है सारी? अच्छा मामन जी, मतलब इनका खानदानी एक हिस्सा है। अच्छा, चाचे ताए मामे जो है इनके, सब मिलके, वो सब मिलके इनकी। कितने एकड़ जमीन है? 10 एकड़ जमीन है इनकी, बाकी अलग और भी है इनके चाचे ताए मामे। 10 इनके सारी के सारी ये फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग करते हैं, चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।